तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है। आज हमारा प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर पहला लेक्चर है कि व्हाट आर द टूल्स दैट वी यूज टू हंट अ प्रोडक्ट। कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, और उसमें से जैसे ही हम उस टूल को यूज़ करके कोई ना कोई प्रोडक्ट हंट करने की कोशिश करते हैं तो वी इंस्टेंटली फाइंड अ सम प्रोडक्ट जो कि विनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। अब हर एक टूल को यूज़ करने का मेथड डिफरेंट है, ये मैं आप लोगों को आज मैं जो है डिटेल के अंदर नहीं बताऊंगा। मैं सिंपल सिंपल आप लोगों को बताऊंगा कि ये वाला टूल कैसे यूज़ होता है। जो वाला टूल मोबाइल पे यूज़ वाला होगा वो तो ऑब्वियसली नहीं बता सकूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन जो यहाँ पर यूज़ करने का प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हम वो ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोग सब वो मैं उसका तरीका आप लोगों को बता दूंगा कि फेसबुक को कैसे यूज़ करते हैं हम, यूट्यूब को कैसे यूज़ करते हैं, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को, उसको कैसे यूज़ करते हैं टू हंट अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। तो तब वो आप लोगों को पता चल जाएगा, उस बात का आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कैसे उसको यूज़ करते हैं और उससे प्रोडक्ट हंट कर लेते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फेसबुक है, आपने क्या करना है, आपने अपने फेसबुक के सर्च बार के अंदर जाके इस तरह से जाके यहाँ पे आपने अपनी फेसबुक निकाल लेनी है, ठीक है, उसको लॉगिन कर लेना है। ये मैं लॉगिन नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसके ऊपर इस अकाउंट के ऊपर मेरे पास लॉगिन नहीं है। ठीक है, इस तरह से जाके यहाँ पर आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास लॉगिन आ जाएगा, और सिंपली फिर आप उसके सर्च बार के अंदर जाके टाइप करेंगे प्रोडक्ट्स फॉर होम एंड किचन, प्रोडक्ट्स फॉर स्पोर्ट्स एंड डोर्स, प्रोडक्ट्स फॉर ऑटोमेट गेम्स, प्रोडक्ट्स फॉर फ्ला एंड फ्ला, प्रोडक्ट्स फॉर जो है अमेजोन गेम्स, अमेजोन बेसिक्स, इस तरह से सर्च करेंगे तो आपके पास नीचे जो है वो एक रिजल्ट आ जाएगा। आपने उन रिजल्ट्स के ऊपर नहीं जाना, उन पेजेस के ऊपर नहीं जाना जो आपके सामने शो होंगे, आपने उसको थोड़ा सा राइट सर राइट अगेन बता दें, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही थी, कुछ भी समझ नहीं आया। जी, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने फेसबुक को लॉगिन करना है। ऑब्वियसली हर किसी का पास जो है वो फेसबुक का अकाउंट होता है। आप सिंपली क्या करेंगे, फेसबुक को लॉगिन करने के बाद उसके अंदर जाएंगे और उसके सर्च इंजन के अंदर जाके लिखेंगे प्रोडक्ट्स फॉर फ्ला एंड फ्ला, जिस कैटेगरी से रिलेटेड, जिस तरह की प्रोडक्ट आपको चाहिए। आप चाहते हैं प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू किचन, आप चाहते हैं प्रोडक्ट्स फॉर जो है अमेजोन गेम्स, आप चाहते हैं प्रोडक्ट्स फॉर फ्ला एंड फ्ला, ये जब आप करेंगे, और उसके बाद दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब लिखेंगे ना ऊपर प्रोडक्ट्स फॉर होम एंड किचन, तो फिर आपने वो पेजेस वाले सेक्शन पे नहीं जाना, आपने वीडियोस वाले सेक्शन पे जाना, और दूसरी बात आपने रील्स वाले सेक्शन पे जाना। क्यों? क्योंकि रील्स जो है ना वो एक छोटी वीडियो होती है और उसके अंदर एक अच्छी प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल सकती है, बनिस्बत कि आप पूरी की पूरी वीडियोस देखें फिर उसके ऊपर से आप वो जो है ना प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश करें, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा आप लोगों को। आप सिंपली फेसबुक के ऊपर जाके उसके सर्च बार में, सर्च इंजन में आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स फॉर, जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट चाहिए आप वो लिखेंगे, उसके बाद आपके पास नीचे रिजल्ट आ जाएंगे, वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे, वीडियोस देखना स्टार्ट करेंगे, और जो कीवर्ड्स आपके सामने आते जाएंगे उनको आप रिकॉर्ड करके अपने पास, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, लेट सपोज आपने जब आपके पास एक कीवर्ड आ गया, वॉइस नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ, मैं बोलना बंद कर चुका हूँ ना, इस वजह से नहीं आएगी, बोलूंगा तो आएगी ना आवाज। अभी आ रही है ना आवाज आपको, जब मैं बोलता हूँ तब आवाज आती है आप लोगों को? ब्रेक हो रही है सर, ब्रेक होते होते बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है, चलें करते हैं कोशिश। ठीक है, अब आपने फेसबुक, वो रील के बाद आपने क्या बताया, उसके बाद तो कोई आवाज ही नहीं आई है, वो काइंडली वहां से दोबारा बता दें। ठीक है, आप क्या करेंगे, फेसबुक की वीडियोस में जाएंगे और रील्स वाले सेक्शन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रील्स वाला सेक्शन होता है वो छोटी वीडियो होती है और वहाँ से आपको एक जल्दी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाती है, और अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप सिंपली क्या करें, उसका स्क्रीन शॉट ले लें अपने पास। स्क्रीन शॉट लेने के बाद जब वो आपके मोबाइल में आ जाएगी, आपके पास, आप सब लोग जानते हैं गूगल के अंदर एक कैमरा का ऑप्शन होता है, ठीक है, आप उस कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे और उस इमेज को गूगल के कैमरा के अंदर सेट करेंगे। सेट करने के बाद फिर आप लोगों का काम ख़त्म। गूगल जो होगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स होंगी
वो सारी की सारी आपको नीचे सर्च बार में दिखा देगा कि ये वाली प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही है भाई साहब, ये वाली प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही है डॉक्टर साहब, ये वाली प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही है, ये वाली प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही है, तो उससे रिलेटेड आपको कई और कीवर्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही वॉइस, चलें आप लोग कोशिश कीजिए सुनने की, बहुत ब्रेक हो रही है, आवाज़ जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों को फाइनली इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग वही सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलें आप लोग करते रहिए इसको ज्वाइन, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सिंपली उसके अमेज़ॉन के जब उसके अंदर जाते हैं ना सर्च बार के अंदर, आप लोग उसको सिंपली जो है आप लोग सिंपली उसको क्या करते हैं, लेट सपोज आपने फेसबुक के ऊपर वीडियो देखी और उसके रील्स में देखी, तो आपको ये वाला कीवर्ड वहां पर मिल गया, आपने यहाँ पे आके सर्च कर दिया, आपने जब यहाँ पे आके सर्च किया तो ये आपके पास, आपने जो चीज़ें नोट करनी है, ये मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि आपने जो चीज़ें नोट करनी है और जिस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने उसका गूगल ट्रेंड चेक करना है, ठीक है, उसका गूगल ट्रेंड चेक करना है, आप उसका गूगल ट्रेंड चेक करेंगे 3 साल का और 5 साल का, और उसको जज करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं उसका जो गूगल ट्रेंड होना चाहिए वो गूगल ट्रेंड उसका मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वेंशनल होना चाहिए। कन्वेंशनल का क्या मतलब होता है कि ये वाली प्रोडक्ट पूरे साल के अंदर सेल होनी चाहिए, यानी कि ये वाली प्रोडक्ट लोग ये जो पोम्पास की जो प्रोडक्ट है इसको परचेज करते हों, ईयर का कोई भी इरा हो उसके अंदर उसको परचेज कर रहे हों और उसके उससे रिलेटेड वो आप जो है परचेज कर रहे हों और उसके ऊपर लोग उसको सर्च भी कर रहे हों, ठीक है। ये जब चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी तो आपकी वो प्रोडक्ट हंट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, वो वाली प्रोडक्ट जिसका गूगल ट्रेंड 25 से अबव होता है और उसके जो कंपटीशन होता है वो 1000 जो मिनिमम उसका है, सॉरी मैक्सिमम जो है उसका वो 2000 होना चाहिए, कंपटीशन उससे ज़्यादा नहीं। अब इस कंपटीशन का आपको कहाँ से पता चलेगा, ये कंपटीशन आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से ये जो आपके सामने आ रहा है ना 1 to 48 ऑफ ओवर 1000 रिजल्ट्स फॉर पोम्पास, ये वाला जो आपके पास आता है, ये जो फिगर होता है आप लोगों के पास, ये वाला फिगर आप लोगों को बताता है कि ये जो पोम्पास की प्रोडक्ट है ये टोटल सेलर्स हैं वो कितने। जी जी ये मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम अगेन बता दें और ये भी अगेन बता दें, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, मतलब वो स्लो हो जाती है, ठीक है। ये जो है आपका कंपटीशन जो हम कहते हैं या जो हमारे गुरु कहा करते थे, वो कहते थे कि यहाँ पर जो है अगर आपकी जो कंपटीशन है वो 2000 है, यानी कि मैक्सिमम जो है उस प्रोडक्ट को 2000 सेलर्स अमेजोन के ऊपर सेल कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करने चाहिए, क्यों, क्योंकि जब इससे ज़्यादा लोग सेल कर रहे होंगे वहाँ पर तो हमारे लिए वहाँ 3000 लोगों से या 4000 लोगों से कंपटीशन करना मुश्किल हो जाएगा, बनिस्बत 2000 लोगों के या 1000 लोगों के या उससे भी कम लोगों से। अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट मिलती है तो उसके अंदर जितने भी सेलर्स होंगे उन 2000 सेलर्स से कम्पीट करने के बाद आपके चांसेस ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ अमेजोन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर अगली बार अगला चैनल जो है ये इस तरह से आप फेसबुक सेंटिंग करेंगे कि पहले उसकी वीडियोस देखेंगे, वहां से कोई आपको प्रोडक्ट मिलता है उसका गूगल ट्रेंड चेक करेंगे, फिर उसके बाद अमेजोन के ऊपर और फिर उसका एक्सेल एक्सटेंशन करके चीज़ें देखना शुरू कर देंगे, उसके जो बाकी स्टैट्स होंगे वो पूरे करेंगे। अब यूट्यूब में भी इसी तरह यूट्यूब के सर्च इंजन के अंदर जाके आप प्रोडक्ट्स फॉर प्लांट फ्लान लिखेंगे, प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन किचन, आप प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन किचन जब लिखेंगे तो उससे रिलेटेड नीचे वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे, जब वीडियोस आएंगी आप एक एक करके वीडियोस को देखना शुरू कर देंगे, इवन के कई ऐसी वीडियोस हैं जिसके अंदर आपको हंटेड प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट प्रोवाइड मिलती है, यानी कि उसका कंपटीशन भी कम होता है, उसका गूगल ट्रेंड भी 25 से अबव होता है और बाकी सारी चीज़ें भी, ये सारी की सारी चीज़ें जब उसके ऊपर पूरी हो रही होती हैं तो वो आपकी हंटेड प्रोडक्ट होती है, ठीक है, उस वो आपकी हंटेड प्रोडक्ट होती है।
क्योंकि वो आपके बाकी क्राइटेरियाज पूरा कर रही होती है। और जो हमारा जो मकसद होता है वो 100% प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं होता। हम कहते हैं कि यार चलें अगर 95% भी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है ना, या 90% भी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है हमारा, वो क्राइटेरिया भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब हम हंटिंग के आगे जाएंगे ना अगले प्रोसेसेस के ऊपर, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको वो भी क्लियर हो। ठीक है, इसी तरह यूट्यूब के अंदर जाके आप वहाँ पर उसके सर्च इंजन में प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन किचन लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह ट्विटर के सर्च इंजन में भी आप लिखेंगे इसी तरह प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन किचन, इसी तरह आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर ये चीज़ समझने वाली है, इंस्टाग्राम में जब आप जाएंगे तो उसके सर्च इंजन में जब आप लिखेंगे ना प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन किचन, तो वहाँ पर फिर वीडियोज़ का ऑप्शन कम होता है, आपके पास इमेजेस ज़्यादा होती हैं। आप इमेजेस ओपन करेंगे और फिर उसकी डिटेल के अंदर जाएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर प्रोडक्ट के नाम लिखे होते हैं, आप उनको चेक करेंगे। और इसी तरह जब YouTube के अंदर जाएंगे तो YouTube के अंदर सर्च करने के बाद आपका मकसद पूरी वीडियो देखना नहीं होगा, आप सिंपली उस वीडियो को ओपन करके स्टॉप कर दें, रोक दें। रोकने के बाद जब आप डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं ना, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन उसकी ओपन कर रहे होते हैं, तो तब आपके पास उस प्रोडक्ट के जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके पास आना शुरू हो जाते हैं कि इतने सेलर्स जो है ना, इतनी प्रोडक्ट्स हैं, उनके ये नाम है। और बाकायदा ऊपर लिखा होता है कि जो वीडियोस हम, जो चीज़ें हम वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उनके नाम ये हैं। आप फिर वहाँ से अपने कीवर्ड्स उठाते हैं और उसको अमेजोन के ऊपर उसका गूगल ट्रेंड और बाकी सारी चीज़ें चेक करके उसको अर्न करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह टिकटॉक के सर्च इंजन में आप सर्च इंजन में जाके वहाँ पर टिकटॉक की क्या लिखते हैं, सर्च इंजन में वहाँ पर जाके आप सिंपली लिखते हैं कि प्रोडक्ट्स फॉर किचन, ठीक है, या किचन प्रोडक्ट्स या स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स प्रोडक्ट्स। वहाँ पर डिटेल जो है वो ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपली लिख देंगे ना कि किचन प्रोडक्ट्स, तो फिर भी आपके पास टिकटॉक की वीडियोज़ आ जाएंगी। इसी तरह स्नैक वीडियोज़ के अंदर, अब वॉलमार्ट के अंदर आप किस तरह करते हैं, वॉलमार्ट के ऊपर भी जिस तरह आप अमेजोन के ऊपर करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह आप वॉलमार्ट के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है, walmart.com, अब walmart.com जब आपके पास ओपन होता है आप सिंपली उसके सर्च बार में यहाँ पर जाके लिखते हैं किचन प्रोडक्ट। अब जब आपने किचन प्रोडक्ट्स लिख दिया तो उससे नीचे जो है वो आपके पास रिजल्ट्स आ, ठीक है। अब ये देखिए कितने कीवर्ड्स आ गए आपके पास किचन प्रोडक्ट से रिलेटेड, कितने कीवर्ड्स आ गए। और जो कल बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर आप लोग कंफ्यूज थे कि हमने अगर वॉलमार्ट के ऊपर प्रोडक्ट सेल जो है ना सर्च की है तो वो तो वॉलमार्ट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगी, हमें तो वहाँ से सोर्स करनी पड़ेगी। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड चाहिए। हम उस कीवर्ड को फिर अमेजोन के जो है सर्च पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली, उसके ऊपर जो हमारे क्राइटेरिया होंगे अमेजोन के अकॉर्डिंगली, उसको अप्लाई करके अपनी उस प्रोडक्ट को हंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों की क्यूरी क्लियर हो गई कि किस तरह आपने वॉलमार्ट के ऊपर जाओगे। अब ये देखिए रॉयल किचन प्रोडक्ट्स, वुडन हैंडल, सिलिकॉन रोलर्स। अब आप जब ये पूरे का पूरा कीवर्ड लिखेंगे ना तो उसका गूगल ट्रेंड भी नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट में से आपको जो इसका मेन वाला कीवर्ड लगता है ना आपने वो उठाना है, आपने उठाना है सिलिकॉन रोलर्स। वॉइस ब्रेक हो रही है। आपने उठाना है वुडन सिलिकॉन रोलर्स। आपने ये चीज़ जब उठाई और उस प्रोडक्ट को सर्च करना शुरू किया, उसका गूगल ट्रेंड चेक किया, उसका जो है बाकी पैरामीटर्स को चेक करने की कोशिश की, तब आपकी वो प्रोडक्ट, तब वो आपकी प्रोडक्ट हंट हो जाएगी। बच्चे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने आप लोगों को बताया है रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे ही आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना तो आप लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी। अब कोशिश आप कीजिए कि आपको आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाए। ठीक है, चलें जी, अगला जो हमारा है वो alibaba.com। इसी तरह आप अलीबाबा को ओपन करते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं alibaba.com। ठीक है, ये देखें, ये फिर आप यहाँ पर इसी तरह ये आपके पास अलीबाबा का सर्च इंजन आ गया। आप सिंपल लिखते हैं किचन प्रोडक्ट और उसको सर्च करना शुरू कर दो। कभी आवाज नहीं आ रही।
जी बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया है कि शायद नेट का प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए साथ, कोशिश करते रहिए कि आप लोगों को आवाज़ आती रहे। अगर नहीं भी आती तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का जो है साथ होना वही काफ़ी है। ये होगा कि मीटिंग के अंदर ज्वाइन करते रहेंगे तो मुझे रिस्पॉन्स मिलता रहेगा आप लोगों का। ये देखें, अली बाबा की जब इस तरह से आपका पास आ जाता है तो ये देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए। अब ये आपको रिजल्ट देगा किचन प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो अली बाबा के वॉइस ऊपर बिल्कुल सेल हो भी रही नहीं आ रही है। है, जो अली बाबा के ऊपर सेल हो रही है, ठीक है, अली बाबा के ऊपर सेल जो हो रही होगी वो वाली प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद है अली एक्सप्रेस .com। इसी तरह आप अली एक्सप्रेस को ओपन करेंगे और उसको करना शुरू कर देंगे। तो चलें ठीक है, आज यहाँ तक करते हैं हम, अली एक्सप्रेस तक, और उसके बाद फिर कल जो है ना इसको फाइनल लेके चलेंगे इसको, ठीक है।